आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है। आज आयुर्वेद समाधान के इस वीडियो को पूरा देखने से पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आयुर्वेद समाधान पर आने वाले लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन और ईमेल्स के जरिए मिल सके, वो भी सबसे पहले। आज इस वीडियो में क्या है खास, आइए जान लेते हैं। एक छोटी सी इलायची गर्मी में आपको लू से बचा सकती है, मतलब यानी काम बड़े और दर्शन छोटे। इलायची सुगंधित होने के कारण इसका इस्तेमाल मुख शुद्धि यानी माउथ फ्रेशनर के रूप में किया जाता है। त्योहारों पर मीठा बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, यहाँ तक कि वैद्य औषधियों में भी इसका उपयोग करते हैं। तो आइए हम भी इसका उपयोग करें, किस चीज में, लू को भगाने के लिए। तो आयुर्वेद समाधान के इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। छोटी सी दिखने वाली ये इलायची औषधीय गुण से जबरदस्त रूप से भरी होती है, इसकी आपको कल्पना भी नहीं होगी। भोजन में इसके प्रयोग से आप कई स्वास्थ्य समस्याओं से निजात पा सकते हैं। एक तो लू से बचाती है, गर्मियां पूरे पीक पर हैं और इन दिनों में धूप और गर्मी से हाल बुरा हो चुका है। ऐसे में इस गर्मी से बचने के लिए मुंह में इलायची डालें, ये लू के थपेड़ों से भी आपको बचाए रखती है। आप सुबह जब भी ऑफिस के लिए या किसी काम से बाहर निकलें तो इलायची मुंह में डालकर जाएं। आप देखेंगे कि कितनी भी भयंकर लू हो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। अब बात करते हैं दूसरे फायदे की। जी हाँ, खाना खाने के बाद इलायची खाने से खाना जल्दी पच जाता है। तीसरा फायदा जो बहुत इम्पोर्टेंट है, दूध या अन्य खाद्य पदार्थों के साथ इलायची का सेवन करने से मुख शुद्धि यानी कि माउथ फ्रेशनिंग हो जाती है। मुख में इलायची रखकर चूसने से भी मुख की दुर्गंध से मुक्ति मिल जाती है। तो हुआ ना ये देसी सबसे तगड़ा वाला माउथ फ्रेशनर। अब इसके फायदों में बात करते हैं चौथे फायदे की। आधा आधा ग्राम इलायची और सौंठ के पाउडर में एक ग्राम शहद मिलाकर चाटने से या इलायची के तेल की 4 से 5 बूंदें शक्कर के साथ लेने से कफजन्य खांसी भी दूर हो जाती है। इलायची दानों का पाउडर और शक्कर समान मात्रा में लेकर उसमें थोड़ा अरंडी का तेल मिला लीजिए। 5 ग्राम की मात्रा में रोजाना सुबह सेवन करने से आंखों को ठंडक पहुंचती है और आपकी आईसाइट भी स्ट्रांग होती है। मुंह में छाले हो गए हों तो इलायची का पाउडर शहद में मिलाकर छालों पर लगाने और लार टपकाने से छाले ठीक हो जाते हैं। इलायची दाना, पीपरा मूल और पटोल पत्र समान मात्रा में लेकर चूर्ण बनाइए। 2 से 4 ग्राम पाउडर घी के साथ सुबह शाम चाटने से कफ से पैदा होने वाले हृदय रोग से भी राहत मिल जाती है। तो आपने जाना कि किस तरह से इलायची, छोटी सी इलायची आपको कई तरह के हेल्थ बेनिफिट्स देती है, खासकर आपके माउथ फ्रेशनिंग और कफ कफ खांसी जुकाम के लिए। आयुर्वेद समाधान जीवन जीने की एक पद्धति है जिसमें बताए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं। जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए आयुर्वेद समाधान।